हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इलेक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है इस पे हम इलेक्शन देने वाले हैं, इस पे मैं इलेक्शन देने वाला हूँ। उसका वो बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक बहुत शिकायत रहती है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं है, कि आज से पहले की जो गवर्नमेंट से उतना सोचा नहीं है, जो कि बात सही भी है। ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है नॉर्थ ईस्ट में जितनी जो है बाकी इंडिया में हुई है, पर अब की जो गवर्नमेंट आई है सेंटर में, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है निकाले हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो है डेवलपमेंट के लिए, और बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट भी हो गए हैं। तो अब की सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है नॉर्थ ईस्ट पे। वैसे भी उनकी एक जो है पॉलिसी भी है एक्ट ईस्ट, करेक्ट। तो वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो मतलब जो भी उनका विजन है, उसमें नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जब डेवलप होगा तो हम जो बाकी का जो एशिया है वहाँ से इजीली जो है कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ट्राई कर रही है कि अच्छे से वो डेवलप हो जाए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी वो नॉर्थ ईस्ट में लेके आने की पूरी कोशिश कर रही है। तो अब देख, तो आज की वीडियो इसी पे है। देखते हैं कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं। इस वीडियो में मतलब उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है बात की गई है। तो देर ना करते हुए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जबकि हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक टाइम से लेके आते रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, उसके बाद हम करेंगे अपनी बातें। 1 2 3 भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में 8 स्टेट्स आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, मिजोराम, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, सिक्किम। सात और पहले इन ही हुई आठ भाई। स्टेट्स में से अगर आप सिक्किम को हटा दें तो बाकी बचे 7 स्टेट्स को भारत के सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा सेवन जाता है। ये भारत का इकलौता ऐसा रीजन है जिसका 99% एरिया दूसरे देशों के बॉर्डर से मिलता है। अपर एरिया तिब्बत से मिलता है जिसे चाइना ने कब्जा करके रखा है। ईस्ट में बॉर्डर म्यांमार से मिलता है, साउथ वेस्ट में बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है, वेस्ट में बॉर्डर नेपाल से सिक्किम मिलता है, और नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर भूटान से मिलता है। भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत समय से इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी पीछे चल रहा है, पर कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहुत से रेलवे प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए अनाउंस हुए हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम भी शुरू हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोज़ को वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रेलवे प्रोजेक्ट्स, साल 2017 में भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी 8 स्टेट्स की कैपिटल को एक दूसरे के साथ रेलवे के थ्रू जोड़ने के लिए 48,000 करोड़ रुपीस के 15 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के बहुत से इलाके में रेल लाइन बनाई जा रही है, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट रीजन की कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो सके। इसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में और भी बहुत से रेल प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जैसे कि बैराबी सारंग रेलवे स्टेशन। इस प्रोजेक्ट के तहत मिजोरम की कैपिटल आइजोल को सैरांग से जोड़ा जा रहा है। इस रेलवे रूट की टोटल लंबाई 51 किलोमीटर है और ये प्रोजेक्ट मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 55 मेजर, 87 माइनर, 5 रोड ओवर ब्रिजेस और 6 रोड अंडर ब्रिजेस को बनाया जा रहा है। साथ में 12,639 मीटर्स के टनल कंस्ट्रक्शन पे भी काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 5,521 करोड़ रुपीज है। इसके अलावा दीमापुर कोहिमा रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा को दीमापुर से कनेक्ट करेगा। इस रेलवे रूट की टोटल लंबाई 82 किलोमीटर है और ये प्रोजेक्ट मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सीवाक रैंकपो रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सिक्किम की कैपिटल सिटी गैंगटॉक को रैंकपो से कनेक्ट करेगा। इस रेलवे रूट की टोटल लंबाई 44 किलोमीटर है और ये प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,900 करोड़ रुपीज है। इस प्रोजेक्ट में 14 टनल्स, 5 स्टेशन और 13 ब्रिजेस को बनाया जा रहा है। जब ये रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब वेस्ट बंगाल से सिक्किम जाने में सिर्फ 2 घंटा लगेगा। इसके अलावा सालों से चल रहे जीरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट भी अब जल्द पूरा होने वाला है। ये रेल प्रोजेक्ट मणिपुर की कैपिटल सिटी इम्फाल को जीरीबाम से जोड़ेगा। इस रेलवे रूट की लंबाई 111 किलोमीटर है और ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा।
इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 13,809 करोड़ रुपीज है। इस प्रोजेक्ट के चलते 62 किलोमीटर की लंबी टनल बनाई जा रही है और उसके साथ साथ 149 ब्रिजेस का भी निर्माण किया जा रहा है। इस रेलवे प्रोजेक्ट की हाईलाइट है इस पे बन रहे ब्रिजेस, जो इंडिया का टॉलेस्ट ग्रेडर रेल ब्रिज है। इस ब्रिज की पियर हाइट 141 मीटर है, दिल्ली के कुतुब मीनार से दुगनी हाइट है इस ब्रिज की। इन ब्रिज पे ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जा सकती है। इन रेल प्रोजेक्ट्स के अलावा गुवाहाटी में मेट्रो को बनाने की भी बात चल रही है। पहले फेज में 61 किलोमीटर की रेल लाइन और 54 स्टेशन को बनाने की बात चल रही है। हो सकता है कि इस साल के एंड में ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाए और 2021 से इस पे काम भी शुरू हो जाए। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2019 में भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एयरपोर्ट और न्यू टर्मिनल बनाने के लिए 3500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असाइन किए थे। उसमें से पहला प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 650 करोड़ रुपए है और इस एयरपोर्ट को नवंबर 2022 तक बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे इस प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट के अलावा रोड्स, एयर साइड वर्क, टर्मिनल बिल्डिंग्स को बनाने पे भी काम चल रहा है। होलोंगी एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल 4100 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। इस टर्मिनल में पीक आवर में एक साथ 200 पैसेंजर्स की हैंडलिंग की जा सकेगी। इस टर्मिनल बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ ATC टावर, फायर स्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और मेडिकल सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा गुवाहाटी में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं, जिसमें पीक आवर में 4300 डोमेस्टिक और 200 इंटरनेशनल टूरिस्ट वेट कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1232 करोड़ रुपए है और ये 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगरतला एयरपोर्ट में भी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका 90% काम कंप्लीट हो गया है और पूरा काम नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 500 करोड़ रुपए। इसके अलावा इम्फाल एयरपोर्ट और मिजोरम के लैंगपुई एयरपोर्ट पे भी काम चल रहा है, जिसको बनाने में कुछ साल लगेंगे। इम्फाल एयरपोर्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 650 करोड़ रुपए है और लैंगपुई एयरपोर्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 438 करोड़ रुपीज बताई जा रही है। रोड प्रोजेक्ट्स। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के रोड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पहला प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट है। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 4-लेन एक्सप्रेसवे है और ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 1300 किलोमीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश को आसाम से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगला प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट। इस हाईवे प्रोजेक्ट के चलते इंडिया तिब्बत बॉर्डर एरिया के हाईवे को डेवलप किया जा रहा है, ताकि कभी बॉर्डर एरिया पे इमरजेंसी हो तो मिलिट्री मूवमेंट तेजी से हो सके। इस हाईवे प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 2000 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और हाँ, ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से चाइना की आग लगी हुई है। अगला प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रिज। ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज की लेंथ 19 किलोमीटर है और इस ब्रिज की एस्टिमेटेड कॉस्ट 3,166 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसको जापान की JICA जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी फंड कर रही है और इसका कंस्ट्रक्शन का काम L&D कंपनी को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट 2026 बताई जा रही है और जब ये ब्रिज बनके तैयार हो जाएगा तो आसाम से वेस्ट बंगाल का 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के चलते कोलकाता के सी पोर्ट को म्यांमार के सितवे सी पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा और म्यांमार के सी पोर्ट को मिजोरम से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे हम गुड्स को मिजोरम तक सी पोर्ट के जरिए से आराम से पहुंचा पाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के चलते हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सी पोर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे और साथ साथ साउथ एशियन कंट्री में भारत अपने प्रोडक्ट को आराम से एक्सपोर्ट कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट पे काम 2008 से चल रहा है और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $500 मिलियन है और ये प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है कोहिमा इम्फाल 4-लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 4-लेन एक्सप्रेसवे है और इसकी लेंथ 308 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 201 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है। अगला प्रोजेक्ट है इम्फाल जिरीबाम 4-लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भी 4-लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। इसकी टोटल लेंथ 220 किलोमीटर है और ये प्रोजेक्ट भी भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस प्रोजेक्ट के अलावा असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते रोड्स रेलवे को कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 317 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 700 करोड़ रुपए है और ये प्रोजेक्ट 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। देखा जाए तो पिछले 2 सालों में भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में 1819 किलोमीटर रोड बनाई जा चुकी है। इसके अलावा सिक्किम में पैकयोंग एयरपोर्ट, असम में रूपसी एयरपोर्ट, 300 मेगावाट कमैंग और 110 मेगावाट पेयर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में कंप्लीट हो चुका है। भाई साहब, इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भारत की और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। 2019 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कंट्रीब्यूशन भारत की अर्थव्यवस्था में सिर्फ $78 बिलियन था।
पर जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगेगा वैसे वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कंट्रीब्यूशन भारत की अर्थव्यवस्था में और बढ़ने लगेगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये सारी डेवलपमेंट की वजह से फ्यूचर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का फास्टेस्ट डेवलपिंग रीजन होगा। इसके साथ साथ इन सारे प्रोजेक्ट्स के चलते नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी, साथ में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी जो इस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डेवलपमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी होने से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसानी से घूमने जा सकेंगे जहां भी लोगों को जाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखा जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फ्यूचर अच्छा होने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना सा प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत पोटेंशियल है और अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साथ में लेकर चलना होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी। Okay, so ये था वीडियो और सही में जान के बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं और कुछ नए शुरू होने वाले हैं। तो नॉर्थ ईस्ट आने वाले कुछ साल में बिल्कुल चेंज होने वाला है। और लास्ट में जो बात भाई ने कही वो बहुत सही कही, इंडिया को अगर ग्रो करना है तो नॉर्थ ईस्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना हमारी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी जितनी हो सकती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है, वहाँ के लोगों में बहुत पोटेंशियल है। इवन अभी तो नॉर्थ ईस्ट को ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं किया गवर्नमेंट ने, वहाँ से तो बहुत कुछ मतलब किया जा सकता है। वहाँ पर मतलब बहुत सारे मिनरल्स हैं, वहाँ पर वहाँ का मैन पावर जो है बहुत अच्छा है, वहाँ का आर्ट, अगर हम वहाँ के आर्ट को वहाँ की फूड को मतलब टूरिज्म वाइज अगर उसको हम वर्ल्ड वाइड जो है प्रमोट करें तो नॉर्थ ईस्ट बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जनरेट कर सकती है, जो कि इंडिया के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब वो मतलब जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जेब में पैसा आएगा तभी गवर्नमेंट के जेब में पैसा आएगा, तो इससे दोनों का फायदा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे, अभी तो इसमें सभी प्रोजेक्ट्स की बात नहीं मतलब नहीं करी गई है। मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स है पता जो कि अरुणाचल प्रदेश में या माइनिंग स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पर यूरिया की खोज हो रही है जो कि आज से पहले की गवर्नमेंट ने नहीं किया है, पर अब की गवर्नमेंट बहुत बोल्ड है, वो चाइना चूना की बिल्कुल फिक्र नहीं कर रही है। इवन हमारा जो सबसे मतलब हमारे जो बिल्कुल पावरफुल जो वेपन्स हैं ब्रह्मोस मिसाइल, वो भी हमने डिप्लॉय कर रखी है अरुणाचल प्रदेश में बिना चाइना की जो है वो फिक्र किए हुए। और चाइना जानता है कि अगर कुछ किया वो लॉन्च हो गया तो चाइना को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, इन रिस्पॉन्स वो भी हमारा नुकसान तो करेंगे पर पहला नुकसान तो हम ही कर देंगे, तो वो भी नहीं चाहेगा कि जो है ब्रह्मोस से जो है मतलब वो टक्कर ले दे, क्योंकि ब्रह्मोस बहुत पावरफुल एक मिसाइल है और अगर वो अरुणाचल प्रदेश से लॉन्च हुई तो चाइना की बहुत सी डेवलप सिटीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो ब्रह्मोस है वो एक तरह का सेफ गार्ड है अरुणाचल प्रदेश के लिए, और सिर्फ उसके लिए नहीं आगे नागालैंड में भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। सिक्किम को काफ़ी एक्सप्लोर किया जा रहा है क्योंकि सिक्किम में भी बहुत कुछ मिनरल्स वाइज और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होने वाली हैं। इवन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट भी है इसके लिए जिसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, मैंने एक बार देखा था, मुझे याद नहीं है पर है। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।